आज आर्ट गैलरी का यहाँ पे समारोह रखा है, उसका उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला। हमारे मित्र अविनाश कांबले जी, सभी यहाँ पे उपस्थित आर्टिस्ट हो, हमारे सब मित्र हैं। मैं मनमोहन सिंह को बधाई देता हूँ कि एक अच्छा देश के अंदर एक आर्टिस्ट की जो कला किस तरीके से दुनिया के अंदर अपनी देश की कला दिखाने की जो तरकीब यहाँ पे मुंबई में यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे कार्यक्रम रचा गया है, इसके लिए तो बहुत दिल से मैं इनको बधाई देता हूँ। लेकिन जो समस्या सामने जब आती है कि एक आर्टिस्ट की जब दुखियारी कहानी जब सुनने को आती है कि जब हम आर्टिस्ट है लेकिन हमारी आगे इस कला को आगे पहुंचाने के लिए या खुद ब खुद हमको जीने का भी रास्ता एक तरीके से दिखाने के लिए कुछ अगर गवर्नमेंट के तरफ से कुछ सहायता होनी चाहिए, ऐसा कुछ मुझे मन मुदा में ऐसा लग रहा है कि मनमोहन जी का कहना होगा या किसी और आर्टिस्ट की सबकी चाहत होगी कि हमारे देश में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट और कलाकार है कि वो दुनिया के अंदर एक नई तरकीब दिखाने के लिए तैयार है, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा टेकओवर करना चाहिए, उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो ज़रूर मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेकर हमारी केंद्र सरकार से लेकर गुजारिश करूंगा कि हमारे आर्टिस्ट को एक सहायता के तौर पर कोई निधि का प्रावधान करे, इसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और हम आर्टिस्ट को सभी को बधाई देते हैं कि इनकी जो कला है ये दुनिया में छा जाए, यही मेरी एक शुभकामनाएँ उनके साथ में। मुझे बहुत खुशी हो गई, मोहनवान जायसवाल जी हमारे अच्छे मित्र है, बहुत सारे झारखंड वासी हमारे अच्छे मित्र है, लेकिन यहाँ के खुशी हो गए हमारे MLA साहब यहाँ, उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट लोगों के लिए जो बढ़ावा देना चाहिए उनके लिए जो भी कुछ कर सकते गवर्नमेंट की तरफ से, वो साहब ने तो आश्वासन दे दिया है। आश्वासन मैं नहीं कहता हूँ लेकिन जो साहब बोलते हैं वो करके दिखाए दें। तो हमारे मनमोहन सिंह जी और अरविंद कुमार जी है साथ में, तो कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप बता दीजिए। अभी उन्होंने एक बताया कि आर्ट जहांगीर आर्ट गैलरी 8 साल से मिला नहीं उनको, अगर ये हमें याद कर दे तो हम 24 घंटे में देते थे उनको, लेकिन चलो ठीक है, जो हो गए हो गए। तो ऐसा अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें याद कीजिए, हम आपके साथ में है, हमेशा साथ में रहेंगे, यही इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आर्टिस्ट का एक बड़ा विश्वास रहा है मेरा, ये जर्नी करीबन 12 साल हो चुका है, ये मेरा 21वां एग्जीबिशन है ये मुंबई में, तो कहने को तो बहुत बातें हैं बट आर्टिस्ट का सहयोग और समर्पण बहुत ज़्यादा है। अब ये मुंबई है, यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के आर्टिस्ट हैं। आपने सुना होगा कि कोई पेंटिंग 10 करोड़ में भी सेल होती है, अभी जो दुबई के किंग ने पेंटिंग खरीदा है वो 35,000 करोड़ की एक पेंटिंग थी, मगर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में की अगर हम बात करें, चाहे वो लातूर हो, चाहे वो आपका पुणे हो, चाहे नासिक हो, चाहे सोलापुर हो, तो ऐसे जगह में जो कला को समर्पित लोग हैं उनको एक सही मार्केटिंग या गाइडेंस या गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसा अगर हो, जैसे अभी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, करीबन साल भर हो गए बांद्रा में है, साल भर से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे और भी जगह होनी चाहिए। जहांगीर की कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और जगह कम है उनके लिए, प्लेटफॉर्म्स कम है, मार्केट बहुत अच्छे से नहीं क्रिएटेड हो सका है, जितना एक प्लेथोरा ऑफ आर्टिस्ट हमारे समाज में है, तो हम उसको कैसे और ज़्यादा जस्टिस दे सकते हैं, कैसे ज़्यादा उनको और अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। कमर्शियल सक्सेस भी चाहिए होता है, सिर्फ प्रेजिंग से नहीं होता, तो इसके लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए, आर्टिस्ट को भी थोड़ा संगठित होना चाहिए। जो आर्टिस्ट हैं थोड़ा कम यूनाइटेड होकर चलते हैं, ये मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो अगर सर का सहयोग रहा तो बात कहाँ तक पहुँचता है, दिल्ली तक पहुँचेगा। तो देखते हैं, हम और उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस हो, और भी चीज़ें हों जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री जी ने उनको इनॉग्रेट किया, लोगों को सहयोग किया, मोटिवेट किया, तो ऐसे प्रमोटेड होना चाहिए। द आर्ट शुड बी प्रमोटेड। जितना हमारे देश में हमारे एक एक गली में इतने अच्छे अच्छे सिंगर, राइटर, पेंटर बैठे हैं कि उनको जगह नहीं मिलता एक्चुअली, और जो थोड़े मार्केटिंग में स्मार्ट हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो जेन्युइन और डिजर्विंग है वो तो कभी कभी पीछे रह जाते हैं। तो इसमें हम थोड़ा काम करना चाहते हैं और सभी आर्टिस्ट का धन्यवाद। इतने सालों से कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग पहली बार जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से, पोलैंड से भी हैं इस शो में,
तो सबका धन्यवाद सर, और स्पेशल थैंक्स टू सर, इन्हें समय निकाला, गजानन जी ने समय निकाला, सुनील भाई का दर्शन बहुत दिनों के बाद हुआ है, मेरा पूरा वर्ष बड़ा सुखमय रहेगा सर, ये भगवान राम की फैमिली से आते हैं, और सबका धन्यवाद सर, सबका। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि और यहाँ पर जितने आए हुए हमारे सभी दोस्त और मित्र हैं, और जितने कलाकार हैं, जितने कलाकार जो है मेहनत से अपनी पेंटिंग को बनाए हुए हैं, और कुछ तो पुराने कलाकार हैं जो पहले से हैं इसमें, और कुछ जो नया अभी कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए, तो हमारी ये शुभकामना है कि बहुत मेहनत करके उन्होंने इस मुकाम तक यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो आशा और उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कोई भी काम आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन एक यही कामयाबी ऐसी चीज़ है कि ठोकर लगने के बाद मिलती है। मैं बताना चाहूँगा मनमोहन जी को कि दिल्ली में है व्यवस्था, तो आदरणीय विधायक जी अगर चाहेंगे स्वयं थोड़ा सा अगर उसको इंटरेस्ट लेंगे, तो जो ये कल्चरल डिपार्टमेंट है उसमें हमारे अभी अर्जुन राम मेघवाल जी मिनिस्टर कानून मंत्री बन गए, अभी पहले उन्हीं के पास था ये, तो वहाँ है व्यवस्था, तो ये जो नए कलाकार हैं इनकी एक यूनिटी होनी चाहिए, मनमोहन जी ने जो बोला था ये बात सही है, तो जो जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में तो कुछ अच्छे कलाकार पहुंच गए पैसे से और जानकारी की वजह से, लेकिन जो मराठवाड़ा के और सारे ज़िले हैं, लातूर है जो, और मराठवाड़ा के जलगांव हैं, और जो महाराष्ट्र के 34 ज़िले हैं जिसमें ये दो चार ज़िले जो बॉम्बे से लगे हैं, इनकी बात छोड़ करके अगर हम और ज़िलों की बात करें, वो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो उन बच्चों को पहुँचाने के लिए वहाँ के लोग अगर चाहें तो जैसे ये संस्था है, सर हैं, ऐसे सब लोग मिलजुल करके करेंगे तो ये बहुत बड़ा यूनिट बन सकता है। मेरा नाम है सुबोध नेमलेकर, मैं बॉम्बे से हूँ और मैं रॉक पेंटिंग करता हूँ, मैंने मेरे रॉक्स यहाँ पर एग्जिबिट किए हैं इस एग्जिबिशन में, और बहुत प्यारा एग्जिबिशन है, बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया है, और मेरा कॉन्सेप्ट जो है रॉक का, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट पीपल विथ रॉक्स, क्योंकि रॉक्स का यूज़ लोगों ने बहुत कंटेंप्ट फैलाने के लिए और एक दूसरे से लोगों को अलग करने के लिए किया है दुनिया भर में, तो मैं उसी रॉक को लेके लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, एंड हैव सेंड माई रॉक्स टू USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कैनेडा, सब जगह पे मैंने भेजे हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो, तो मेरा यही प्रयास है कि लोगों को एक आर्ट से जुड़े और लोग अपने रॉक्स का महत्व जो है, तो पूरा रामायण में तो आप जानते ही हैं, जो राम सेतु बना था वहाँ से उसकी शुरुआत रॉक्स की हुई है, और सिर्फ एक विश्वास से उन लोगों ने जो उस पत्थर को पानी पे फेंका था, और विश्वास यही था कि राम का एक नाम के ऊपर उनको विश्वास था, और उसी नाम को विश्वास से लेकर उन्होंने उसका जो उसकी जो किमया थी वो फ्लोट होने लगे, तो मेरा इसके अंदर मेरा विश्वास ही है जिस विश्वास से मैं पेंटिंग करता हूँ, और हालांकि मैं खुद क्वालिफाइड आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने खुद सिखाया ये अपने, मैं खुद ब खुद मतलब करता हूँ, इट्स सेल्फ टॉट मीडियम टू विच आई डिड दिस आर्ट, एंड लेट्स सी, आई एम ट्राइंग टू रीच पीपल एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, और इंडिया में हालांकि ये रॉक ये रॉक पेंटिंग बहुत नया है, ज़्यादा लोगों को इतना मालूम नहीं है, लेकिन USA, कैनेडा में उसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, और इसका इनफैक्ट ऐसा देखा जाए तो इसका फ्यूचर में यू कैन मेक अ कमर्शियल यूज़ ऑल्सो, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टैप दैट सोर्स, एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट पीपल टू मेक देम नो एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स, इंडियन रॉक्स का तो आपको तो मालूम ही इम्पोर्टेंस है, उत्तराखंड के हर रॉक के अंदर भगवान का वास है, ये तो लोग मानते हैं और जानते हैं, तो इसी बात को मैं दिलो जान से प्रमोट कर रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो लेट्स सी, योर ब्लेसिंग्स आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर दिस। माई सेल्फ मधुकुरवा, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू हियर, 30 आर्टिस्ट ग्रुप एग्जिबिशन इज गोइंग ऑन अलॉन्ग विथ मी फ्रॉम द ऑल ओवर इंडिया, हैदराबाद, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो, पुणे, कलकत्ता, डिफरेंट आर्टिस्ट पीपल वी मेट हियर, इट इज़ वेरी हैप्पीएस्ट थिंग, and here you can see the different size of artworks in my painting I am representing about the mythological theme I believe like a mostly god kind of theme whatever I am doing right now it is called sukshma series of artworks I am doing once you look the my painting it looks like a very abstract kind of thing if you spend certain time then it will reveal one by one like a mesmerizing things inside animals, birds and flora and fauna and nature related things also will be there.
इट इज़ लाइक ए सरियलिज्म काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट विथ माई कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल एंड थैंक्स टू द मनमोहन जी ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल शो थैंक यू जी मेरा नाम इस्मत अंसारी है और एक मैं एक नॉर्मल आर्टिस्ट हूँ जो मैं घर में ही खुद पेंटिंग करती हूँ और मैं कहीं से सीखी नहीं हूँ मतलब मेरा अपना एक शौक है बस और क्या कह सकते हैं नेचुरली पेंटिंग बनाती हूँ और कोई भी प्लेस हुआ कोई भी जगह हुआ उसको वो पेंटिंग बस वो पेंटिंग में तस्वीर चेहरा नहीं बनाती हूँ चेहरा को छोड़ के जो भी पेंटिंग होते ना वो सारे पेंटिंग्स बनाती हूँ मेरा नाम सोनाली आयंगार है और मेरे 100 से ज़्यादा शोज़ हो गए मैं म्यूजियम्स भी बांधती हूँ और आई एम अ कंटेम्पररी आर्टिस्ट आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्क्स बिहाइंड मी ये मैंने जो पेंटिंग्स किए हैं वो नेचर के ऊपर है जो आपको दिख रहे हैं नेचर और फिशेस जो है और वुमेन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर शी इज़ थ्रू वुमेन वी हैव दिस सेंस ऑफ ग्रोथ and the trees that you see here on the nature and the animals that you see here aur bharatnatyam mujhe bahut hi pasand hai halanki main bharatnatyam nahi karti lekin hamari hindu sanskruti bhartiya sanskruti jo hai wo itni sundar hai to wo main thoda modernist mein unko jhalak dena chahti thi and as you see I have covered my paintings and my figures with nature and animals थैंक यू सो मच कमाल है आई लव टू पेंट पेंटिंग मेरा बचपन से पैशन रहा है तो मैं एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है बिकॉज आई लव नेचर एंड एनिमल्स एंड एनलाइटमेंट एंड स्पिरिचुअल आर्ट वर्क तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसको आप लॉर्ड बुद्धा मान सकते हैं या एनलाइटमेंट मान सकते हैं तो इट्स अबाउट नोइंग योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ तो ये पूरा रे ऑफ लाइट रे ऑफ होप और एनलाइटमेंट के ऊपर ये मेरा आर्ट वर्क है और जो मेरे कलर्स हैं इसमें दे आर ऑल अर्थ बेस्ड कलर्स जो ज़मीन से जुड़े हुए रियलिस्टिक आर्ट क्रिम्सन रेड ब्राउन दोस काइंड ऑफ शेड्स आई हैव यूज्ड एंड नाइफ वर्क है इट्स एन ऑयल एंड जो मेरा ये वाला आर्ट वर्क है दिस इज़ हॉर्स एंड इट्स लाइक ए पोर्ट्रेट ऑफ ए हॉर्स जैसे कि किसी ने उसकी तस्वीर खींची है जैसे कि इंसानों की खींची जाती है सो द हॉर्स हैज़ इट्स ओन लुक एंड ए फील टू इट and again nature to it's got like the green and the nature and the lovely horse portrait thank you mera naam poonam anand agarwal hai main mumbai se hu aur ये मेरे वर्क्स हैं मेरे वर्क्स मोस्टली एक्रेलिक्स ऑन कैनवस होते हैं बट इस बार मैंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो बीड वर्क है और सिल्क रॉ सिल्क पे है कुछ काम बाकी मेरे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं एक थॉट बेस्ड पेंटिंग्स होते हैं बट ये वाले अभी जो पेंटिंग्स है ये स्कल्पचर बेस्ड पेंटिंग है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अजंता एलोरा के जो स्कल्पचर्स हैं उनको मैंने पेंटिंग के रूप में दर्शाया है सो दीज आर स्कल्पचर वर्क दैट इज़ बीड वर्क वो राधा कृष्ण मतलब कृष्ण और काउज के ऊपर है एंड दैट इज़ उसके करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा टीडियस है और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बट देन इट कम्स आउट वेरी ब्यूटिफुल उसको हम सिल्क पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं उसके बाद बीड वर्क इज़ डन बाय हैंड सो ईच बीड को सिलाई किया जाता है सो बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है बट एज यू कैन सी इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक इन द एंड एंड देन दैट इज़ माई एब्स्ट्रैक्ट देयर द ब्लैक एब्स्ट्रैक्ट विच इज़ टाइटल्ड इमोशंस तो हमारे इमोशंस जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेरीड फॉर्म्स से गुजरते हैं वैसे वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेरे प्रेजेंट किया है हाय सैयद ज़ुबैर हम बॉम्बे के ही है और ये आर्ट्स हमारा आर्ट्स है इसमें यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज किए मिस्टर मनमोहन जी ने और अनुभूति के नाम से ये किया है प्रोग्राम तो अभी काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ पे है वेल नोन आर्टिस्ट भी है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी है कुछ इसमें एक हम भी है और अभी देखते आज का फर्स्ट डे है गुड लक फॉर एवरीबडी और जो लोग भी देखेंगे प्लीज़ कम और आप आके देखिए थैंक यू वेरी मच सर मेरा नाम है प्रियेश दत्त मालविया और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ भोपाल से और फिर मैंने कोई यहाँ कुछ नए प्रयोग जो किए वो नया प्रयोग लेके आया हूँ मैं जैसे आप जैसे पेंटिंग देख रहे हैं ये मैंने धुएं से बनाई है चिमनी के धुएं से पेंटिंग बनी हुई है इसको उसका नाम मैंने दिया फ्लेम इफेक्ट्स इसके अंदर देखिए वो सपोर्ट जब परिवार चलता है पुरुष के साथ महिला जुड़ती है महिला के साथ बच्चा जुड़ता है इस प्रकार से परिवार एक दूसरे पर लोड आता है और इस प्रकार से परिवार चलता है
और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये मैंने प्रेस से बनाई, इलेक्ट्रिक प्रेस से बनाई है, उसको बंद करके बनाई है, फिर इसको गर्म करके कैनवास पर रखा तो कैनवास खुद कलर देता है वो, तो उस टेक्निक से बनाया ये। तो दोनों मेरा एक तरह से नया प्रयोग करने की कोशिश करिए, और ये टेक्निक मेरे इंडिया बुक और रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया था वहाँ पर दिल्ली में, 2 मिनट में मैंने पेंटिंग बनाई थी, फर्स्ट एड पेंटिंग के नाम से मेरा नाम दर्ज हो गया जी। और बॉम्बे में मेरा इनके साथ 14 शो है मेरा, मनमोहन जी के साथ, और बहुत अच्छे आयोजक हैं, और इनका जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम जब भी भाग लेते हैं, हम भी उनके साथ में भाग लेते हैं। आजकल मैं अब भोपाल छोड़ के बॉम्बे आ गया हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हो गया, तो अक्सर मैं आपको मिला करूँ, जब भी नया काम होगा उसको लेके आया करूँगा मैं इस प्रदर्शनी में जी। बताइए। मेरा नाम प्रिया है, और मैं बहुत आभारी हूँ मनमोहन जी की, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम हमारे जीवन के कुछ पहलू अपनी चित्रकला के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर सकें। ये जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कुछ मेरा काम है, दिस इज़ ऑल ऑयल ऑन कैनवस। जो वाइब्रेंसी आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पे डिपिक्ट करना चाह रही हूँ कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, कलरफुल है आज के टाइम पे भागती दौड़ती ज़िंदगी में, वेयर एवरीबडी इज़ रशिंग। थोड़ा स्लो डाउन करके आर्ट के माध्यम से प्लीज़ रियलाइज दैट लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, इट्स कलरफुल, उसे इन्जॉय कीजिए, लिव एवरी मूवमेंट टू द फुलेस्ट। भले ही आप आर्ट से रिलेटेड हैं नहीं है, आप आर्ट एंथुजियास्ट हैं या नहीं है, एक बार देखने जरूर आइए, दिल को सुकून मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मून है, और ये शो मनमोहन से जी ने ऑर्गेनाइज किया है। ये मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ, और मेरा पेंटिंग इसके बारे में बात करता है कि जब तक लाइक एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड सैडनेस, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट सैडनेस इज़, यू विल नेवर अंडरस्टूड वॉट हैप्पीनेस इज, एंड इट्स ऑल अबाउट द पुश एंड पुल ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। So this is what I'm portraying over here. Yeah, that's it. Hi, this is Nawab Jahan. I'm from Bhopal, and I have made these paintings. This one you see, I have made with real gold, and the name of the painting is Milan, Unification of Two Souls. Okay. I have done my MA in Drawing and Painting from Bhopal, and this is my first time I've been doing my exhibition with Mr. Jaiswal, and I work with like real gold with my paintings and knife paintings, and I have also made a world record which has been recognized by Harvard in making paintings with real gold and palette knife. मेरा नाम कैलाश है, मैं औरंगाबाद अभी संभाजी नगर जो नाम हुआ है, और मैं गए 20 साल से पेंटिंग में काम करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के प्राइज़ भी लिए हैं और PG हुआ है। मैं नेचर के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करता हूँ, जो फील होता है वो फीलिंग में काम करता हूँ, और नेचर में जाने के टाइम जो हमें महसूस होता है वो शब्द में बयां नहीं कर सकते, तो वो प्रॉपर काम में ही बयां होता है। और आप जब वो काम देखते हैं तो हर एक का फीलिंग्स अलग होता है, उस फीलिंग के हिसाब से मैंने मुझे जो फीलिंग्स हुआ वो सभी काम इसके अंदर के, और आप देख सकते हैं कि क्या लेवल का काम है उसके अंदर, जो प्रोसेस किया है वो आप अनुभूति कर सकते हैं। जैसे ये शो का नाम ही अनुभूति है, वैसी अनुभूति आप सब करिए, और मेरे ये काम है और वो उधर का भी है, आप देख सकते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर जायसवाल फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू आर्टिस्ट फ्रॉम सच डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड डाइवर्स वॉक्स ऑफ लाइफ। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर इन्वाइटिंग मी। आई एम अ पेंटर, आई डिड माई मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन प्रिंट मेकिंग फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी बड़ोडा। आई बीन पेंटिंग फॉर द लास्ट 18 ईयर्स एंड एग्जिबिटिंग सिंस द लास्ट 18 ईयर्स। आई हैव एग्जिबिटेड बोथ नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। आई हैव डिस्प्लेड 2 पेंटिंग्स फ्रॉम एन ऑन गोइंग सीरीज टाइटल गार्डन गर्ल, where for me a lot of the imagery in my work draws inspiration from nature, so gardens, biodiversity, natural forms that find their way into my paintings, where the human being is not in conflict with nature but living in harmony with nature. So that is the kind of dreamy kind of dreamscapes in my imagination that I try to portray in my canvas. These are my Purva Dinani, Nerul se hu, and I'm a self-taught artist. ये मेरे paintings हैं, I'm more into abstracts, and abstracts में mostly लोग कहते हैं कि you know abstracts में हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता and all. So मेरा सिर्फ ये है कि हमारे life में जितने तरह के emotions हैं, जितने तरह के life में phases हैं,
और जो भी हमारे अराउंड है मैं उनको अपने एब्स्ट्रैक्ट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊं और एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड आउट करूं। नमस्कार, मेरा नाम आसिफ शेख है और मैं आर्टिस्ट और मैं पेंटिंग्स करता हूं और आप ये मेरे तीन चित्र देख सकते हैं। रिसेंटली सितंबर में जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा आर्ट एग्जीबिशन हुआ और उस आर्ट एग्जीबिशन में ये से छः पीस का छः पेंटिंग्स का सेट था, उसमें से तीन पेंटिंग्स अंबानी जी के पास गए और प्लस दो, तो पांच वर्क्स उन्होंने लिए, उसमें से ये तीन वर्क्स है। और ये मेरे तीन वर्क्स में ये कलर्स ऑफ लाइफ सीरीज़ पे मैं काम करता हूँ और मेरे लाइफ में जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, सॉरी कलर्स ऑफ लाइफ सीरीज़ पे मैं काम करता हूँ और मैं 11 साल का मेरा आर्ट एजुकेशन है और 13 साल से मैं कंटिन्यूसली फुल टाइम पेंटर हूँ और मैं पेंटिंग करता हूँ और मेरे लाइफ में जो जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं उन एक्सपीरियंस को मैं पेंट करने की कोशिश करता हूँ और मैंने जो स्ट्रगल किया था उस स्ट्रगल को पास करके मैंने पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट किया और पॉजिटिवली हम लाइफ में कैसे जीते हैं और चीज़ों को अचीव करते हैं उस एनर्जी को मैं पेंट करने की और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पेंटिंग्स है। यस, नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश केजी गौड़ है, मैं एक चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता, मॉडल हूँ और मैंने BFA MFA किया हुआ है स्कल्पचर से और नेशनल अवार्ड एक लिया हुआ ललित कला अकेडमी लखनऊ से। मनमोहन जी की तरफ से ये एक अनुभूति ग्रुप एग्जीबिशन यहाँ पे प्रदर्शित की गई है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे कलाकार हैं देश विदेश से। और जी मेरा काम है, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरा थ्रू ऑफ मास्क, मतलब चेहरे के नज़रिए से। जैसे कि हम जानते हैं कि हर आदमी के पीछे एक चेहरा होता है, एक इंसान के चेहरे के पीछे एक चेहरा होता है, तो थ्रू ऑफ मास्क। और जैसे मुंबई में आया तो लोगों ने डराया कि नहीं मुंबई भीड़ बहुत सारी है और आप कैसे सर्वाइव करोगे कला के क्षेत्र में वो एज ए एक्टर और फाइन आर्टिस्ट। तो मैंने कि अपने कलाकार को बाहर रखो और भीड़ का हिस्सा बनो पहले, तो अपने एक्टर को, चित्रकार, मूर्तिकार को बाहर रखा और एक भीड़ में शामिल हो गए, उसके बाद में एक आम आदमी की तरह काम किया। बहुत सारी चीज़ें सीखी, लोगों के फेस देखे, पढ़े, हर चेहरे के पीछे एक नया चेहरा होता है, आदमी क्या देखना चाहता है। तो थ्रू ऑफ मास्क मतलब चेहरे के थ्रू हम किसी से बात करते हैं लेकिन उसके माइंड मालूम नहीं पड़ता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसके अंदर की जो रचनाएं हैं उसकी वो क्या सोचती है, मतलब तो उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा काम चल रहा है। ये कुछ मेरा मेटल में काम है और स्कल्पचर्स है ये मेरे ब्रॉन्ज में और ये मेटल में काम किया है। मैं थोड़ा म्यूज़िक से भी हूँ तो वायलिन मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो वो सब मैंने दिखाया है। और ये मेरा जो चेहरे की जो सीरीज़ है बहुत बड़ी सीरीज़ है, मैं बहुत सारे चेहरे देखने को मिलेंगे, हर चेहरे के साथ में एक प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने कुछ ये क्रैश करा हुआ है डोरियों के थ्रू, तो आदमी बंधा हुआ है बहुत सारी परेशानियों में और वो चाहकर भी बाहर आता है जैसे किसी की हेल्प के लिए, तो दबाव है, प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, अपने रिलेटिव्स का है, फ्रेंड्स का है, तो वो नहीं आ पा रहा है, तो खुद वो अपने जाल में फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ जैसे लेडीज से रिलेटेड ये मैंने कुछ काम किया है और ये काम मेरे क्या यूजली मीडिया होते हैं, मिक्स मीडिया रहता है, नेचुरल जो मटेरियल है वो मैं उनको यूज़ करता हूँ। मैं कुछ जो एक्चुअली जो आर्ट के लिए फॉर्म्स तैयार होती हैं, जो मटेरियल होता है, उनको मैं यूज़ करता हूँ, तो ये मेरा काम है। गणपति है, एक्रेलिक पेंटिंग है। अभी ये बच्चा है, सेकेंड ईयर में है JK आर्ट स्कूल में, अभी पढ़ ही रहा है ये, तो इसके क्या एग्जीबिशन लगते रहते हैं, मेहनत का नतीजा है। ये शौक इनको कैसे लगा कि इतने साल से कर रहे हैं, जरा कुछ? अभी तो सेकंड ईयर में ही है। अच्छा, स्टार्टअप। हाँ, लेकिन पेंटिंग तो बचपन से ही शुरू कर दी थी इनकी हमने, क्योंकि टीचर लोगों ने गाइड्स की थी कि फ्यूचर क्या है, जो बच्चा बोल सुन नहीं सकता तो कम से कम आँखों से देख के कुछ तो समझ सकता है, तो वो अपने ब्रश के जरिए लोगों को बता सकता है, तो वहाँ से शुरू कर दी स्कूल से। तो अभी JK आर्ट स्कूल में है तो दो तीन एग्जीबिशन लग चुके हैं और पेंटिंग बिके भी हैं इसके, फ्यूचर देखिए, पता नहीं, बता नहीं सकता आगे, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। हाँ, अच्छा, ओके। मैं महेश अंजर लेकर, मैं ठाणे से हूँ और ये मेरा जो वर्क दिख रहा है ये मैं काम करता हूँ। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है, मैं बहुत सारा इंडियन जो स्कल्पचर्स हैं
और उसमें बेसिकली आर्कियोलॉजिकल जो फाउंड ऑब्जेक्ट है कि जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारा वर्क है, काफ़ी सारा 2000-3000 साल पुराना वर्क जब भी उत्खनन में या आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कुछ मिलता है तो वो बहुत सारा डिलेपिलेटर रहता है, उसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते रहते हैं, तो वो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो काम मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा हूँ और वो दोबारा तो बना नहीं सकते, लेकिन दोबारा जो मेरे मतलब मेरे कहने ऐसा मुझे सोच में है कि ये आज कितना भी डिटोरेटेड हुआ, कितना भी वेरेंटेयर हुआ, फिर भी आज उतनी ही उसकी ब्यूटी है और वो ब्यूटी कैप्चर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं मेरे ख्याल से सिरामिक्स ये मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मेरी जो थॉट्स है वो काफ़ी इजीली उसमें एक्सप्रेस हो जाते हैं। खुल गए हैं, मैं मुंबई से हूँ, यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर्स में कैनवास पे पेंटिंग्स बनाए हैं श्री कृष्णा के, अलग अलग उनके एक्सप्रेशंस उनके भाव मैंने पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश की है। ये जो मेरा पेंटिंग है यहाँ पे मैंने मंत्रमुग्ध श्री कृष्ण दिखाए हैं। एक कलाकार जब अपनी कला सादर करता है तो खुद अपने कला का आनंद लेता है, तो वो एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे शो किए हैं। यहाँ पे मैंने अपने ही भावना में चिंतन में गढ़े हुए श्री कृष्ण दिखाए हैं और उनके आभूषण उनके अलंकार के ऊपर मैंने विशेष ध्यान दिया है। यहाँ पे मैंने पूरी एकाग्रता से पूरी तल्लीनता से बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण बनाए हैं और उनके अलंकार उनके ज्वेलरी के ऊपर मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। यहाँ पे मैंने नटखट श्री कृष्ण दिखाए हैं जो गोपियों को सताते हैं, वो भाव उनके आँखों में दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू।